प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम वैदिक गणित के 6 सूत्रों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 7 सूत्र के बारे में बात करेंगे, और वो है हमारा संकलन व्यकलनाभ्याम। तो प्यारे बच्चों, ये जो वैदिक गणित का सूत्र है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं पहले इसकी इंपॉर्टेंस को। आपके पास 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, 2 लीनियर इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। अगर आपसे कहें कि आपको इन दोनों को सोल्व करना है, इनको हल करना है, तो आप कितनी देर में इनको आप हल कर दोगे? तो आप देखेंगे कि इतनी छोटे डिजिट्स भी यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, छोटे नंबर नहीं है, तो आपको इसको सोल्व करने में 5 मिनट, 6 मिनट या 7 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन जैसे ही हम इस सूत्र को समझ पाते हैं, जैसे ही हम इस सूत्र को समझ लेते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ओरल सोल्व कर सकते हो, बिना कॉपी पेन के सोल्व कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 8 से 10 सेकंड का समय लग सकता है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब देखो, एक तो 8 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और एक आपको 5-7 से 10 मिनट तक भी लग सकते हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से जो वैदिक गणित है हमारा, फास्ट कैलकुलेशन, सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिसमें हमें समय की बचत करनी होती है, तो उसमें ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं सूत्र के बारे में। सूत्र है हमारा संकलन व्याकलनाभ्याम। संकलन का मतलब होता है जोड़ना, और व्याकलन का मतलब होता है घटाना। संकलन जोड़ना मीन्स एडिशन, और व्याकलन घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार अगर इसके अर्थ की बात करें हम, अगर इसका अर्थ देखें हम, इसका अर्थ है जोड़ने तथा घटाने द्वारा, और इसको इंग्लिश में कहें तो बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास इसका अर्थ हो गया, ये जो शब्द सूत्र है उसका अर्थ इन शब्दों के हिसाब से हो गया। अब गणित में इसके उपयोग की बात करें, तो ये रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, रैखिक समीकरण है जो हमारे पास, इनको हल करने में किया जाता है। अब आप देखेंगे कि ये 2 विशेष प्रकार के समीकरण यहां पे लिखे हुए हैं, इनकी खास बात क्या है? इनकी जो खास बात है वो ये है कि ये जो समीकरण लिखे हुए हैं, इसमें जो कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट मतलब गुणांक, गुणांक एक्स के आगे जो लगा हुआ है, और कोफिशियंट ऑफ वाई को ध्यान से देखें, कोफिशियंट ऑफ वाई, यहां पे आप देखें कोफिशियंट ऑफ एक्स 25 है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में कोफिशियंट ऑफ वाई 25 है। साइन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, साइन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब इनमें साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। साइन से यहां प्लस का है या माइनस का है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ध्यान रखना है कि जो कोफिशियंट ऑफ एक्स है और जो कोफिशियंट ऑफ वाई है, देखो यहां पे सेम है, ठीक इसी तरह से यहां पे जो कोफिशियंट ऑफ वाई है, सॉरी एक्स है, और यहां पे जो कोफिशियंट ऑफ वाई है वो सेम है, यानी कि एक चर के का गुणांक दूसरे चर के साथ बदला हुआ है, यहां पे ये इसके साथ बदला हुआ है, यहां पे प्लस है या माइनस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक चर का जो गुणांक है
वो दूसरे के साथ बदला हुआ है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि x के साथ जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे हम, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे 25 है तो यहां y के साथ 25 है, यहां x के साथ 18 है तो यहां y के साथ 18 है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी सिचुएशन है यानी कि चरों के गुणांक, एक चर के गुणांक दूसरे चर के गुणांक के साथ बदले हुए हैं, कोफिशियंट ऑफ वन वेरिएबल इज इंटरचेंज विद कोफिशियंट ऑफ अदर वेरिएबल, x 25 y 25 x 18 y 18, तो इस समीकरण को हल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस समीकरण को हल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक बार तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है, जोड़ने पर इन दोनों को आपने जोड़ देना है, जोड़ने मतलब एडिशन कर देना है इन दोनों का। अब आप देखो इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 43x माइनस, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 43y इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास हो जाएगा 5 1 और 2, ये बन, और घटाने पर माइनस करने पर सब्ट्रैक्शन करने पर घटाने पर इनको घटाएंगे तो 25 में से 18 जब माइनस हो जाएंगे तो 7x माइनस 18 में से माइनस 25 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7y, और 111 में से 104 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब आप देखिए इसको आप क्या करें, 43 से डिवाइड कर दें, ये आ गया हमारे पास x, कैंसिल हो गया 43 से डिवाइड किया तो ये माइनस के y और ये 5 पे। ठीक इसी प्रकार से जब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को आपको सोल्व करना है तो इनको प्लस कर दो सिंपली, क्योंकि ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रखते हैं तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तो वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 3 और y की वैल्यू आ जाती है माइनस 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। आप चाहो तो इसमें रख के देख सकते हो, चेक करके देख सकते हो कि ये सही है या नहीं, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, x की जगह पे 3 रख दिया, माइनस 18 इंटू मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 111, चेक कर ले ये 75 हो गया प्लस 36, 11 से 1 10 और 1 11 इज इक्वल टू 111, तो ये हमारे पास राइट है, यानी कि हमने इसकी चेकिंग भी कर ली। प्यारे बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम इस उत्तर के प्रयोग से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी काफी लेंथी प्रोसेस है, इसमें कहीं समय की बचत होगी ऐसा नजर नहीं आ रहा। अब ये तो एक समझाने का प्रोसेस था, अब आप इसको एक बार फिर से दोबारा देखें कि आपको कितना समय इस पे लगेगा। हम इसको सारे को हटा देते हैं यहां से, आप इसको जब हटाएंगे यहां पे, अब आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या यहां पे x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम है, यहां पे x का कोएफिशिएंट और यहां पे y का कोएफिशिएंट सेम है तो फिर आपको क्या करना है, एक बार इनको ऐड करना है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे देखो यहां पे ये दोनों सेम बनेंगे, इन दोनों की वैल्यू x के कोएफिशिएंट की वैल्यू में सेम आएगी और y के कोएफिशिएंट की भी वैल्यू सेम आएगी, तो 43x प्लस सॉरी माइनस 43y 43x माइनस 43y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 215 आ गया। तो यहां पे हमारे पास आ गया 43x माइनस 43y इज इक्वल टू 215, यहां से 43 से डिवाइड किया तो x माइनस y इज इक्वल टू 5। अब इसको माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7x, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 7y, और इसमें से ये माइनस किया तो 7। अब इसको 7 से डिवाइड कर दिया
तो यहां पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। अब इनको प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 यहां पे रखो तो 3 रखेंगे यहां पे तो 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2, या फिर यहां पे रख लो एक ही बात, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 यहां पे आके माइनस 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो एक बार जब आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, दो चार क्वेश्चन की, इस तरह के दो चार क्वेश्चनों की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसमें बहुत मजा आने लगेगा, और आपको फिर इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये जो सूत्र है रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने में कितना ज्यादा उपयोगी है। तो बहुत आसानी से आप फास्ट तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जहां पे आपको समय की बचत करनी होती है, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जहां पे आपको समय की बचत करनी होती है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वहां पे आप इस ट्रिक को अप्लाई करके फटाफट आंसर निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।